आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं। आई थिंक ये सिंगापुर का सबसे बेहतरीन जगह है। ऐसे में बहुत बार मैंने ये बोला है कि सिंगापुर का बेहतरीन जगह सिनो, बट अभी जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ, शायद यहाँ अगर आप नहीं आते हो, यहाँ अगर आप नहीं आते हो तो सिंगापुर घूमना बेकार है। एब्सोल्युटली मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ। जब मैं नज़ारा आपको दिखाऊंगा आपको लगेगा कि सच में मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। और ये जगह वन ऑफ द बेस्ट जगह है। और आप देख सकते हो, यस लुक एट दैट, द मर्लियन, दिस इज अ मर्लियन पार्क। ये मर्लियन पार्क है और आप देख सकते हो मेरे पीछे शेर और मछली दोनों साथ में, मतलब इसका जो हेड है वो शेर का है, लायन का है, और इसकी जो पीछे है वो एक फिश के जैसी है। इसे मर्लियन बोला जाता है। दोस्तों, वेलकम टू सिंगापुर। आप बस देखो सिंगापुर को हर तरफ से, और खासकर ये मर्लियन पार्क, क्या मज़ेदार है। इस मरीना बे को देखिए आप, इस मरीना बे के साथ ये स्काई स्क्रैपर्स, MBS, आई थिंक ये पूरा जो आप लुक देख रहे हो, इट इज़ अमेजिंग। और साथ में आप इस मर्लियन को देखो। आपको पता है ऐसे मोर देन 10 मर्लियंस पूरे सिंगापुर में है। ज़रूर देखना। ये इसे बोलते हैं मर्लियन बे, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इस बे में जाके ये पानी आ रही है, यू नो, पानी जा रही है। तो ये इट रिप्रेजेंट्स वेल्थ, और इसीलिए शायद सिंगापुर इतना तरक्की कर रहा है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फास्ट ग्रोइंग कंट्री। इट हैज़ ऑलरेडी ग्रोन बट इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। और शायद कहीं ना कहीं अगर स्पिरिचुअली देखें तो इस मर्लियन का बहुत 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 बड़ा हाथ है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो आप अभी देख रहे हो ना, जो एक क्रूज़ आप देख रहे हो, एक ऑरेंज, रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में, तो ये है क्रूज़। लेकिन क्रूज़ के बगल में आप देखो डक टूअर्स करके आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे लॉन्चर्स मिलेंगे। बेसिकली ये हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल मतलब ये पानी में भी चलता है और ज़मीन में भी चलता है। कैन यू बिलीव दिस? ये हमें भी पता नहीं था, लेकिन हमने इसे देखा था सनटेक सिटी। याद है सनटेक सिटी, जहाँ पे हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की सैर की थी? वहाँ पे ये डक टूअर्स भी था, बट हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो ज़रूर इस डक टूअर्स में सफ़र ज़रूर करेंगे, बिकॉज मुझे तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। क्योंकि ये ज़मीन से जब इस लेक में जाता होगा, कितना मज़ा आता होगा। मैं बस यही सोचता हूँ। ज़रूर आना डक टूअर्स। सो गाइज, अमेजिंग अमेजिंग। इस डक टूअर्स में बैठ के भी आप अच्छा नज़ारा देख सकते हो। वंडरफुल। बस क्या, हम घूमे फिरे और बस नज़ारा देखते गए सिंगापुर। और ख़ासकर द मर्लियन पार्क में अगर आप नहीं आते हो, आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, बहुत कुछ। वेलकम टू सिंगापुर। वाओ, व्हाट अ सिटी, व्हाट अ कंट्री। एंड आई वुड से इट्स अ पिक्चरस मोमेंट राइट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू शो यू माय फैमिली। एंड हियर वी हैव आवर फैमिली, दे आर हैविंग awesome time. So let's go to my daughter first. Papa. Yeah, hi Shrabya, how are you? Hi. Yes, how are you? Papa. Yo, okay. Look at this. This Pratichi, dangerous Pratichi, and she is my mom, Sheila Mandal, and they both are basically controlling my life. So how are you? How is your stay in Singapore? I visited earlier some other countries also. But here at Singapore, I am overexcited. The Singapore I have seen such a neat, clean town, and big towers are there. People are very amicable, they're friendly mix-up, and food varieties are ample. What kind of food you imagine? All kind of foods are available. It's a wonderful stay here at Singapore. So we have Shrabya Mandal. So Shrabya Mandal, how's your stay? Can you tell me how's your stay? Put yes, just hold it and tell how's your stay in Singapore. Are you enjoying? Yes, I'm enjoying. So what best thing you are seeing in Singapore? There's the birds. The birds. Yeah. Okay, which are the places you have been to? Garden by the Bay. Garden by the Bay. And Jurong Bird Park. Jurong Bird Park. And zoo. Zoo and Bird Park. आप देख सकते हो कैसे मेरा बच्चा प्रमित और वहाँ पे एक चाइनीज़ फैमिली थी और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। वो लोग अपने आप में काफ़ी बात कर रहे थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ हम लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन लैंग्वेज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए एक इज्जत, एक इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में एक अनबायस्ड इंसान बनना। उस शाम में हमने बहुत सारी ऐसी मेमोरीज को बनाया जो आज भी हमारे दिमाग में है और आगे भी जाके हम ये दिन को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत खासकर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। ये पूरा सफ़र हमने बहुत एंजॉय किया। अभी जो आप ये जगह देख रहे हो ये मर्लियन पार्क के जस्ट बगल में ही है। दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं और आप रात का नज़ारा देख सकते हो कितना अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल का ट्रेंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आप शाम का ये लुत्फ़ यहाँ पे बैठ के ले सकते हो। आप बस देखो ये नज़ारा कितना अच्छा और कितना क्लीन सिटी है। हर तरफ से लाइट्स, टॉलेस्ट टावर्स हर जगह। यहाँ पे आके आपको इतना अच्छा लगेगा इस पार्क में। आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। मरीना बे सैंड, टॉल बिल्डिंग्स, डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए लोग, बच्चे, अब बहुत सारे साइकिल राइडर्स। और आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जब आप शाम के वक्त आओगे तो प्लीज़ यहाँ पे आप बैठ के आप थोड़ी शाम में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम बट मे बी आफ्टर 7, आपको यहाँ पे फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, म्यूज़िकल फाउंटेन्स जो समहाउ हमने मिस कर दिया। बट आप जब यहाँ पे आओगे शाम में, आप यहाँ पे बैठ के उस म्यूज़िक का लुत्फ़ उठा सकते हो। बस और क्या, देखते देखते जाने का समय हो गया। और आप देख सकते हो रात में मरीना बे सैंड कैसा दिखता है। माय गॉड, कभी कभी लगता है हमारे इंडिया में भी अगर एक ऐसा जगह हो जहाँ पे इतने बड़े बड़े टावर्स हों और जैसे आंखें चौंधे आ जाए ऐसी सीनरीज हो। वैसे इंडिया कम नहीं है, लेकिन इंडिया में खासकर नेचुरल ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली। बट मैं यहाँ पे जो ये पार्क आप देख रहे हो, ये स्काई स्क्रेपर्स वगैरह, ये मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मस्मराइज्ड किया है। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत, और खासकर अभी जो आप देख रहे हो शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाता है ये मर्लियन पार्क। एक ख़ास बात आपको बताऊंगा, मर्लियन बे के जस्ट ये जो सब रोड आप देख रहे हो सामने, ये सब रोड के लेफ्ट हैंड साइड आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोग बैठ के शाम का डिनर कर रहे हैं, कुछ लोग रिफ़्रेशमेंट ले रहे हैं। हमने भी कोशिश किया वहाँ पे जाने का, बट उन्होंने बोला कि ये सारे बुक हो चुके हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगा वहाँ पे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बैठ के शाम का रिफ़्रेशमेंट हो या डिनर हो, मैं ज़रूर लूँ। ये बस अपना वादा है अपने साथ, और क्या। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिंगापुर, आई लव यू सिंगापुर। बहुत 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 मज़ा किया हमने उस शाम को। हम गए थे अप्रॉक्स 4 बजे के करीब और 7 बजे तक हम लोग वहीं थे। हाँ, म्यूज़िकल फाउंटेन को हमने मिस कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम कभी हम ज़रूर आएंगे। बट ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा, हमने बहुत इन्जॉय किया और ख़ासकर यहाँ का जो नज़ारा हमने देखा, इट वॉज़ अमेजिंग।